हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम आपके लिए आरआरबी के पेपर के पूरे दिन के, आज चार शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का मतलब ग्रामीण बैंक का। तो आज हम आपके लिए चारों शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आया था वो लेके आए हैं। जिन लोगों का पेपर कल है वो एक बार इस एनालिसिस को जरूर देख के जाएं। इससे क्या होता है, हमारा माइंड मेकअप रहता है पेपर के लिए। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको आरआरबी प्रिपरेशन के टिप्स दिए थे कि एग्जाम 45 मिनट्स का होता है। जब आज की बात करते हैं, पेपर में दो सब्जेक्ट आते हैं, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये प्री है। रीजनिंग की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। फ्रेंड्स, इस आप जो भी बैंक के एग्जाम होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि आपको 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलते ही मिलते हैं। वैसा ही आज के पेपर में भी था, आपको 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के दिए हुए थे जो 20 मार्क्स के थे। हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में सिंपल सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट था, कुछ इनसाइड फेस थे, कुछ आउटसाइड फेस थे। इस तरीके का पजल पूछा गया था और उसमें और कुछ दूसरा नहीं जोड़ा गया था, बस सिंपल इनसाइड और आउटसाइड फेसेस और 8 लोगों को हमें बैठाना था। फिर दूसरा जो हमारा आया था वो पैरेलल लाइंस से आया था, 12% थे, 6 और 6 नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में उनको बैठाना था। फिर अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में बॉक्सेस वाला आया था, हमको बॉक्स दिए हुए थे उनको अरेंज करना था। और अगर हम चौथे की बात करें तो उसमें हमें सिंपली, हमने बहुत सारी ऐसी पजल सॉल्व भी की होंगी जिसमें हमें फ्लोर वाइज बैठाना था और उसके साथ हमें 2 वेरिएबल दिए हुए थे, एक तो उनको बैठाना था और उनके मंथ दिए हुए थे हमें जनवरी फरवरी इस टाइप से। चलिए अब बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी इजी था आज के पेपर में, 5 मार्क्स कंटेन किए थे उसने। सिलोगिज्म भी 5 मार्क्स का था, वो भी इजी टू मॉडरेट था। कोडिंग डिकोडिंग भी सिंपली आया था, स्टेटमेंट और उसके बाद छोटे छोटे कोड देते हैं उनको मैच करना रहता है, उसी टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आया था 5 मार्क्स का। फिर मिसलेनियस आया था 5 मार्क्स का। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था बैकवर्ड फॉरवर्ड सीरीज वाला, जिसमें हमको बताना रहता है, पेयर बनाने रहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड सीरीज में। एक मिसलेनियस में इसी टाइप से क्वेश्चन थे, एक था कि इवन में 2 ऐड करना है, ऑड में 1 ऐड करना है, इस टाइप से मिसलेनियस में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, एपटी में क्या आया था। एपटी में इनइक्वालिटी पूछी गई थी 5 मार्क्स की, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं थी, सही थी। इनइक्वालिटी इजी टू मॉडरेट थी, सिंप्लीफिकेशन भी इजी टू मॉडरेट था, कुछ कैलकुलेटिव जरूर था लेकिन इजी टू मॉडरेट था, हम इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीआई की। आज के पेपर में 3 डीआई पूछी गई थी, एक सर्कुलर वाली थी, सिंपल एक ही सर्कुलर दिया था और 5 वेरिएबल थे उसमें, सिंपली पूछा गया था, बहुत इजी डीआई थी। एक पाई चार्ट में हमें डीआई गिवन थी और एक ग्राफ वाली डीआई जो हमें गिवन थी, मेल फीमेल दिए हुए थे, वो भी इजी थी। अब हम बात करते हैं सीरीज की। मिसिंग सीरीज आई थी, मिसिंग नंबर वाली सीरीज आई थी, इजी टू मॉडरेट थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 5 मार्क्स थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडरेट था, आप एक बार जरूर देख लेना इसको, इस पार्ट को। और मिसलेनियस में मिक्सर एलिगेशन, CISI, इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, सिलोगिस में एक बार आप पॉसिबिलिटी के जरूर देख लेना। वैसे तो सिलोगिस में इजी दिया था लेकिन हर कंक्लूजन में एक एक कंक्लूजन पॉसिबिलिटी से जरूर लिया गया था, तो एक बार आप बस, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अगर आप एक बार भी उसको देख लेंगे पॉसिबिलिटी वाले को, तो वो कल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।
और मैं कल भी आपको इसी तरीके से पूरे पेपर का एनालिसिस बताऊंगी, जिससे नेक्स्ट वीक के लिए आपको आराम हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, जो नेक्स्ट वीक एग्जाम होने वाला है, चाहे वो रीजनिंग से हो चाहे वो मैथ से, आप हमें बताएं, हम आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जितनी जल्दी आप बता देंगे उतना जल्दी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि कल पेपर का पैटर्न भी ऐसा ही रहने वाला है, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स इस चीज को देख पाएं और फॉलो कर पाएं। थैंक यू।